पूरे भारत में जातिगत जनगणना कराने, खासकर ओबीसी वर्ग की जनगणना के लिए अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। यूपी के मुरादाबाद में एक युवती को प्रेमी से शादी करना महंगा पड़ गया। नाराज परिजनों ने युवती के दोनों पैर तोड़ दिए। युवती एसएसपी कार्यालय एम्बुलेंस से शिकायत करने पहुंची, लेकिन एसएसपी नहीं मिले। मक्खनपुर चौकी इंचार्ज एसआई सूरजमल की तरफ से सभी जनपद फिरोजाबाद और देशवासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने कहा, मार्च 2025 तक हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर अनिवार्य। बिजली मंत्रालय के अनुसार राज्यों के बिजली नियामक आयोगों को ये व्यवस्था लागू करने में दो बार विशेष परिस्थितियों में चुनिंदा ग्राहकों और क्षेत्रों के लिए समय बढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। मेरठ में अब सातों दिन बनवाएं आधार कार्ड। UIDAI ने खोला एक और सेंटर, मिलेंगी बैंक जैसी सुविधाएं। आवेदकों की भरमार को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने अपना एक केंद्र शहर की दिल्ली रोड पर खोल दिया है। प्रवीण कुमार SI थाना मक्खनपुर की तरफ से सभी जनपद फिरोजाबाद वासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। उत्तराखंड में फिर आफत बरसी। हल्द्वानी और अल्मोड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर देखते ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर जमीन पर गिर गया। पहाड़ टूटने के इस मंजर को जब बस यात्रियों ने देखा तो खौफ में अफरा तफरी मच गई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पैतृक गांव है। जन्म के साथ गुजरा बचपन और पहुंचे शिखर पर, गांव में शोक की लहर।